आज के समय में युवा अपनी करियर को लेके बहुत सजग हो गए हैं। वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। बढ़ते कंपटीशन के दौर में करियर ऑप्शंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप भी इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं ऐसे करियर विकल्प के बारे में जो कि आपकी आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोबोटिक्स इंजीनियर कैसे बने, कौन सी कॉलेजेस हैं, क्या योग्यताएं हैं, सैलरी क्या है, स्कोप क्या है, जॉब कौन सी है, कहां से करें, सबके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर की। दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियर में रोबोट की डिज़ाइन, नए एप्लीकेशन का विकास आदि कार्य किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से रोबोटिक्स में मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग किया जाता है। इस शाखा में रोबोट्स का विकास और उनके प्रयोग के लिए तकनीकी सिखाई जाती है। इसमें ऑपरेशन, टेस्टिंग, डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शंस और सिस्टम मेंटेनेंस तथा रिपेयरिंग आदि को शामिल किया जाता है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए 12वीं के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय आपके पास होने चाहिए, यानी कि PCM आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें आप 60% पास होना ज़रूरी है, यानी 60% आपका होना चाहिए 12th में। वहीं बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद रोबोटिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बात करते हैं रोबोटिक्स की पढ़ाई की। तो दोस्तों, रोबोटिक्स में अगर स्टडी की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का ये हिस्सा होता है। इन इंजीनियरिंग के ब्रांच में रोबोट्स के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, पावर सप्लाई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर पर काम होता है। दोस्तों, इसके स्कोप को हम देखें तो वैसे तो देखा ही जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर रोबोट्स का होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि अब इसके अंदर स्कोप की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर ज्योमेट्री, रोबोट मोशन प्लानिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसिंग में ट्रेन किया जाता है। आधुनिक समय में रोबोट्स का काम करवाना मनुष्य की ज़रूरत भी है। रोबोट्स का उपयोग भारी भरकम काम कराना या न्यूक्लियर कचरों को निपटाने के लिए किया जाता है। करियर बनाने के अवसर में देखें तो इस फील्ड में उम्मीदवारों को नासा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल टूल्स में जॉब मिलने की उम्मीद रहती है। वे स्टूडेंट जिन्होंने रोबोटिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई टेक्निकल स्कूल या कॉलेजेस में की है, वे रोबोट्स टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, सेल्स में भी नौकरी पा सकते हैं। अगर आपने इस फील्ड में स्किल्स को अच्छे से सीखा है तो आपकी शुरुआती सैलरी 50,000 से 1,00,000 रुपए तक के बीच हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस जगह पर पोस्ट करें। जॉब्स की, तो इसमें आप एक रोबोटिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं और रोबोटिक टेक्नीशियंस बन सकते हैं। इन तीनों में आप अगर रोबोटिक्स का कुछ करते हैं तो आप ये तीनों इंजीनियर कहलाते हैं। बात करें कि द बेस्ट कॉलेजेस कहाँ से करें आप रोबोटिक्स इंजीनियर, तो दोस्तों इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास, मुंबई, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की आदि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, SM यूनिवर्सिटी बड़ौदा, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और साथ ही कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची। तो ये तो हो गई उन बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात जो कि मेरे को आपको बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल रोबोट शल्य चिकित्सा करके बारूदी सुरंगों को हटाते हैं, बमों को निष्क्रिय करते हैं। इस तरह से दिन प्रतिदिन रोबोट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसे देखते हुए ऑटोमोटेशन और रोबोटिक्स एक शानदार और चमकदार करियर आपके लिए साबित हो सकता है।
सकता है। ये एक एज अ सीक्रेट के तौर पे भी आप रख सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या चाहता है, आप उस पे ध्यान दे के अपने करियर को आगे बढ़ाएं। अभी क्या चल रहा है उसमें ना जाएं, फ्यूचर किस चीज़ का होने वाला है उस पे ज़्यादा फोकस करें। आप रोबोटिक्स में अपना करियर बनाकर एक बेहतरीन अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि अभी 80% ऐसे लोग हैं जो देख के ही जा रहे हैं। तो कौन है वो 80%? तो प्लीज़ आप वीडियो सिर्फ देखें ही ना, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।